तो देखो बेटा, सो आवर न्यू टॉपिक इज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, माने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अपन पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ एंगल विद बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से देखना सारे बच्चे, लेट अस देखो। तो दो चार बातें हैं जो अपने को समझ, जैसे कोई भी वेक्टर होता है तो ये वेक्टर की दो चीजें होती है, हेड और टेल, देखना दो चीजें मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना कि सबसे पहले कि एंगल इज मेजर बिटवीन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की टेल पर मेजर होता है, मतलब दो वेक्टर्स जो है उनकी टेल से टेल के बीच में जो एंगल है वो मेजर होता है, समझ लो, जैसे मैं समझाऊंगा ना देखना, जैसे मैंने आपको बताया एंगल इज मेजर बिटवीन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, समझ रहा ध्यान से, जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर है और ये वेक्टर भी, ये एंगल मेजर होगा थीटा, समझ रहे हो, अगर ये ऐसे हो जाए, मैंने बोला ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, समझ रहे हो, और ये एंगल में मेजर करने जाऊं दिस इज नॉट देयर, क्लियर हुआ, तो एंगल हमेशा कहां मेजर होता है, बिटवीन व्हाट, टेल, द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, ऐसे नहीं है कि यहाँ टेल है और यहाँ हेड है तो मेजर कर डालोगे, नहीं ऐसा नहीं, एंगल इज मेजर बिटवीन टेल ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, पहली बात है ना, दूसरी बात समझ रहा, दोबारा समझाना सर, देखो जैसे कोई भी वेक्टर होता है तो ये वेक्टर है, ये इसका टेल और ये हेड, तो दो टेल्स के बीच में वेक्टर मेजर होता है, एंगल मेजर होता है, ऐसा ये एंगल मेजर हो जाएगा, अगर ये ऐसे होगा ना इस तरह से तो ये कोई एंगल मेजरमेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट द एंगल मेजरमेंट, ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, पहली बात, सबसे पहली बात है ना कि हमेशा टेल के बीच में ही एंगल मेजर होगा, दूसरी बात कि जैसे मैं बात करता हूं है ना, एंगल मेजर इज द मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, समझना, बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा मिनिमम एंगल लेना, अब देखो समझा, कई बच्चे देखो दिमाग दिमाग देना, तुम लोग क्या करोगे ना, क्या गड़बड़ हो सकती है, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है, तो क्या अब आप इन दोनों के बीच में एंगल मेजर कर सकते हो, यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेल से टेल कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, अब दूसरी बात जो है, क्या अब आपके पास दो एंगल है, क्या अब ये वाला एंगल थीटा वन या थीटा टू, ये ठीक है, तो आप दो एंगल है भाई, ये थीटा टू भी है और थीटा वन भी है, तो आप कौन सा एंगल लोगे, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या है, क्या लोगे आप बताओ मेरे को, इन दोनों में से सबसे छोटा एंगल कौन सा है, थीटा वन, थीटा वन, समझ रहे हो, थीटा, बात समझ में आई, छोटा वाला एंगल लेना है हमेशा, कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला, क्लियर हुआ, अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से, ये दो रूल है, गोल्डन रूल्स, इनको अप्लाई करना है जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, फटाफट लिख लो इसको, तो यहां पर जो एंगल मेजर्ड होता है, मेजर इज द मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम एंगल, अब समझ, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखना, एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, अब आप एक बात, यहां से अपन दो बात अपन समझना है ना, यहां से दो बातें अपन समझेंगे ना, अगर दोनों एंगल इक्वल हो तो कोई भी मेजर कर लो, ठीक है बेटा, अनुष्का देखो समझाते हैं आपको, देखो ये मान लो आपका वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, अब आप देखना यहां से समझना, अब आप कौन सा एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे कि ये वाला एंगल लोगे, अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर वाला सर, अंदर वाला, क्यों क्यों लोगे अंदर वाला,
क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा एंगल है, समझ रहे। अब आप इस बी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहां बढ़ा दिए। अब कौन सा एंगल लोगे, ये वाला, ये अंदर वाला कि बाहर? सर छोटे वाला, सर वाला, ये वाला ही लोगे आप, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको और बढ़ा, देखना यहां बढ़ा दिए। अब आप कौन सा एंगल लोगे, ये नीचे वाला कि ऊपर वाला? लेंगे ऊपर वाला, ऊपर वाला ही, ठीक है। अब देखना, अब मान लो मैं इसको ऐसे कर दू, अब कौन सा एंगल लोगे आप? नीचे कोई सा ले लो, कोई सा भी ले लो, नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, क्योंकि दोनों 180 हो गए, क्लियर हो गया। तो अपन ने बढ़ा, अपन चले जब बी ऐसे था और ए ऐसे था तो जीरो एंगल था, फिर जैसे बढ़े तो जीरो से लेकर 180 तक बढ़ गया। इसके बाद में मैं बी को थोड़ा सा और ऐसे, बी को घुमा रहा हूं ऐसे और घुमा दिया। अब आप कौन सा एंगल लोगे? सर नीचे वाला, सर बाहर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। अब ये वाला एंगल लोगे, समझ रहे हो? तो अब एक बात सोचना, तो अब ये एंगल 180 से कम होगा? यस सर, यस सर, समझ में आया? तो क्या कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में 181 एंगल हो जाएगा क्या? 181 डिग्री हो सकता है? नो सर, सर नो सर, नो सर। 181 अगर मान लो ये इधर से 181 है तो, और इधर से 181 है तो इधर से 179 होगा, तो आप 181 लोगे कि 179 लोगे? 179. समझ में आया? तो इसका मतलब द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज व्हाट? ज्यादा से ज्यादा एंगल क्या हो सकता है? 180. वेरी गुड, दैट इज 180. मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180. दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम एंगल है वो कितना हो सकता है? 180 हो सकता है। कभी भी आंसर में 180 से ज्यादा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में आया? यस सर, यस सर, इज 180 डिग्री, मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है। और मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 0 डिग्री, दोनों ऐसे हो जाए। अरे क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, मुझे ध्यान देना, समझना सारे बच्चे। थोड़ा सा इसको पीछे ले लेता हूं मैं ना, थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके जा रहा हूं। तुमने बचपन में वो की होगी पीटी, वो एक्सरसाइज तो की होगी ना, पीटीआई टीचर तुमको कराता होगा ना? यस सर। तो मेरे दो वेक्टर्स है, अब आपको बता रहा है कि इनके बीच में क्या एंगल है, समझ रहे हो? सारे बच्चे बताना, देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे क्या एंगल है। जीरो, जीरो सर, जीरो बोलते जाओ। जीरो, 90, 90. मैं मार दूंगा, अभी ये मारूंगा मैं तमाचा। जीरो हो गए ना? जीरो, यस सर, समझ में आया? ठीक है, 90, 90, 90, 90, 90, 90. ठीक है। और अगर 90 से कम ज्यादा हो तो एक्यूट ऑब्ट्यूस बता देना मुझे, ठीक है? यस सर, एक्यूट, 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 ये तो बता दिया, ये बता दिया, बात समझ में आई? यस सर, यस सर, 180, समझ में आया? यस सर, 180. क्रैम्प आ गया यार, सुपर की कोशिश कर रहा था। बात समझ में आ गई? तो एंगल समझ में आया भाई, पैरेलल, एंटी पैरेलल, अरे क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। तो नोट कर लो जो मैंने यहाँ बनाया, तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 और मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0. 180 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी एंगल, फिर वो दूसरे वाला एंगल काउंट हो जाएगा, ठीक है? अब एक तो ये चीज आ गई, दूसरी चीज समझना, हाँ, दूसरी चीज़, कोई वेक्टर होता ना, देयर इज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, टाइम हो गया क्या? हाँ देखो टाइम है, अब देखो समझ लो,
पैरेलल शिफ्टिंग, जैसे ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये मान लो कोई वेक्टर है, अब आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो बोर्ड के प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बट पैरेलली शिफ्ट करना होगा। मतलब इस वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूं, 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 कैसे भी बना सकता हूं, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को कहीं भी ले जाके बना सकता हूं, समझ लो, बस डायरेक्शन चेंज और प्लेन चेंज। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर यहां पर है तो मैं इसको बाहर लेके यहां ऐसे बना रहा हूं, नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स जो है दैट इज पॉसिबल, वी कैन डू पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, है ना, वी कैन डू, क्यों करना है मैं बताऊंगा अभी। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको पैरेलल शिफ्ट अपन कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट अपन कर सकते हैं इन दैट प्लेन, जिस प्लेन में वो है, प्लेन से बाहर नहीं ला सकते, समझ लो। ऐसा नहीं है कि वेक्टर यहां पर है बोर्ड की प्लेन में और मैं यहां ले आऊं, फर्स और इसकी प्लेन में ले आऊं, ऐसा नहीं, वेक्टर यहां है मैं इसको यहां ले आऊं, नहीं, यहां लाऊंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, डायरेक्शन चेंज के बिना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हो सकती है इन दैट प्लेन। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना बेटा? यस सर। फिर हम बताते, देखो जरूरत कहां पड़ेगी ना, वेयर वी विल रिक्वायर, मिटा दो बेटा। यस सर। देखो समझ लो कहां जरूरत पड़ेगी, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये तो बेसिक वाले हैं, तो फटाफट मुझे बताते जाओ सारे कुछ। फटाफट बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स? 150 डिग्री। 150। ये वाला एंगल लोगे एंड दैट इज 180 माइनस 30, दैट इज 150। ठीक बेटा, फटाफट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो समझ, अब देखो ये मान लो ऐसे, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ये एक वेक्टर, और ये एक वेक्टर, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? सर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सर, टेल टू टेल होता है सर, टेल टू टेल होता है, नॉट पॉसिबल। अरे तो भाई मिलाओ टेल से टेल, नॉट पॉसिबल क्या निकाले बोलेगा, जो लास्ट वाला तरीका सिखाया उसमें यही तो करना है सर। 60 डिग्री सर, 60 डिग्री, वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज पॉसिबल, तो पैरेलल शिफ्टिंग में क्या करोगे, देखो दो तरीके कर सकते हो तुम, एक काम ये कर सकते हो, देखो ये वेक्टर बी है, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये वेक्टर ए जो है ना, इसको उठा के यहां रख सकता हूं मैं। यस सर, यस सर, यस सर, बोलो। तो ये वेक्टर ए यहां रख दिया, और जैसे ही यहां रख दिया, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा एक काम और कर सकता हूं, देखो मैं बी को भी, तो बी ऐसे है, अब बी को ऐसे कैसे ऐसे ले जा सकता हूं पैरेलली। यस सर। तो जब ऐसे ले जाऊंगा तो ये एंगल क्या आएगा, व्हाट विल बी दिस एंगल अगेन, 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो आइदर यू शिफ्ट ए और यू शिफ्ट बी, समझ रहे हो, शिफ्ट ए। तो टेल टेल मिला सकते हैं कि वहां एंगल बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे मिला सकते हैं, ध्यान रखना कि एंगल के ओरिएंटेशन क्या नहीं होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, दूसरे प्लेन और डायरेक्शन चेंज होने चाहिए, शिफ्टिंग भी।
यही ध्यान रखना, एंगल की ओरिएंटेशन मत चेंज कर देना उठा के। पता है वेक्टर्स एंगल जो होता है ना वेक्टर के बीच में, वो टेल टेल के बीच में भी हो सकता है और हेड हेड के बीच में भी हो सकता है, लेकिन मैंने तुमको नहीं बताया क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होता है। आप चाहो तो इसको उठा के ऐसे रख देते तो टेल हेड टेल टेल के बीच में एंगल आ जाता, तो वो भी अपन बी को कैसे शिफ्ट किया, देखो बेटा बी ऐसे है ना, ऐसे है, इसको पैरेलली ऐसे करके यहाँ ले, तो पैरेलल ले गए तो ये एंगल 60 बचा रहेगा, तो ये बी हो गया और ये ए का टेल। बात आई समझ में? जी सर। चलो अब और देखते हैं, मिटा दूं मैं इसको। यस सर। चलो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? 30 डिग्री। क्या कर सकते हो आप, इसको शिफ्ट कर सकते हो ए को, सर ए को, वेरी हाँ, ए को कैसे शिफ्ट करेंगे अपन, ए को यहां शिफ्ट, हाँ, तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए को इधर, तो अब ये 60 है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। सर वेक्टर बी को भी तो ऊपर ले जा सकते हैं, बी को ऊपर कहाँ ले जाएगा सर, बी को ऊपर ले जाएगा तो फिर टेल से हेड से हेड आ जाएगा, वो मैंने सिखाया नहीं है, बी को ऐसे ले जा सकते हो, ओके सर, तो फिर ये 60 रहेगा और ये 30 आ जाएगा, क्लियर हुआ? Okay, किसी sir, भी वेक्टर को मूव कर सकते हो, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात बेटा, समझ में आया एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स? यस सर। नोट कर लो, वेक्टर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत काम आएगा, नोट इट डाउन। चलो बेटा थैंक यू, टाइमिंग चेंज करेंगे तुम्हारा, बताओ कर लो सर सुबह।